हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम लेकर गए हैं बहुत ही शानदार सा TWS गाइस, जिसका मॉडल नंबर आने वाला है M10 गाइस। ये आने वाला है न्यूएस्ट कंपनी की तरफ से। इसमें इंडिकेटर्स वगैरह बहुत सारे दिए हुए हैं गाइस। फीचर की अगर बात करें तो बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं जिसमें आपका मन बहुत ही जल्दी खुश होने वाला है गाइस। पीछे साइड में हम बहुत सारे इसके फीचर गिनाए हुए, तो चलिए हम इसको रखते हैं साइड में। और गाइस सबसे पहले तो हम करते हैं इसका डब्बा खोला अनबॉक्सिंग, और आपको बताते हैं क्यों बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है गाइस। जैसे हमने डब्बा खोला, हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसकी जन्म पत्री जो कि कोई यूज करता नहीं, तो इसको रखते हैं साइड में। और गाइस उसके बाद हम मेन प्रोडक्ट को इसमें से निकाल लेते हैं बाहर। गाइस जैसे हम निकालते हैं तो गाइस यहाँ पे हमें कुछ खास देखने को मिलता नहीं है पैकेजिंग, तो इसको भी हम रखते हैं डब्बे को साइड में। और गाइस देख लेते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है गाइस। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक माइक्रो USB केबल, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से इसे चार्ज कर सकते हो। इसे भी रखते हैं साइड में। और गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है एयर टिप्स गाइस, जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज कर सकते हो, छोटा बड़ा इसमें साइज दे। इसे भी रखते हैं साइड में। और मेन प्रोडक्ट को हम निकाल लेते हैं और क्यों ये पॉपुलर हो रहा है गाइस, ये भी हम आपको दिखाते हैं गाइस। जैसे हम इसको ईयरबड्स को इसमें रखते हैं ना गाइस, आप देख सकते हो इंडिकेशन स्टार्ट हो गया, और इस लाइटिंग की वजह से ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये प्रोडक्ट गाइस। सबसे पहले तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है बैटरी का चार्जिंग इंडिकेटर, और गाइस ये कितने परसेंट चार्ज है ये भी हमें देखने को मिलता है। और गाइस उसके बाद बात करें तो इसका जो ईयरबड्स है गाइस, इसमें हमें ब्लू और रेड कलर का लाइट कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और गाइस ऊपर साइड में हमें यहाँ पे एक सेंसर देखने को मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे हमें एक माइक देखने को मिलता है जिसके थ्रू आप कॉलिंग वगैरह करके बात कर सकते हो गाइस। उसके बाद अगर बात करें तो गाइस ये आने वाला है वर्जन 5.0 की तरफ से गाइस। अगर उसके बाद अगर बात करें तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है 2 घंटे का चार्जिंग टाइम, जिसमें बहुत ही इजीली ये 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है 280 घंटे का स्टैंडिंग टाइम, जिसमें आप इसे ऑन करके सिर्फ 280 घंटे तक यूज कर सकते हो, सिर्फ ऑन करके म्यूजिक वगैरह प्ले किए बिना। और गाइस उसके बाद अगर बात करें म्यूजिक प्ले टाइम की, तो इसमें 5 घंटे का म्यूजिक प्ले टाइम हमें देखने को मिल जाता है। और इसमें अगर बात करें गाइस डिस्टेंस की, तो ये गाइस आपको मिल जाता है 10 मीटर के डिस्टेंस के साथ में, यानी कि अगर आपका फ़ोन इससे 10 मीटर दूर भी है तो आप बहुत ही इजीली इसे यूज कर सकते हो कनेक्ट करके गाइस। ये आता है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। और गाइस उसके बाद अगर बात करें तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है कॉलिंग वगैरह का फीचर, बहुत ही इजीली इसमें आप कॉल वगैरह कर सकते हो और बहुत ही इजीली आप इसको यूज कर सकते हो गाइस। उसके बाद अगर बात करें कंफर्ट की, तो कंफर्ट बहुत ही अच्छा है गाइस इसका। मैंने इसे 1 घंटे तक लगभग यूज किया है, बहुत ही अच्छा कंफर्ट देता है गाइस। उसके बाद अगर बात करें इसमें स्पीकर की क्वालिटी वगैरह की, साउंड क्वालिटी की, तो गाइस काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये 400-500 में क्या ही मिलता है गाइस, आप भी समझ सकते हो गाइस। उसके बाद अगर बात करें इसके मेन फीचर की, तो गाइस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है पावर बैंक का भी ऑप्शन गाइस, इससे आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। पीछे साइड में आपको USB का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप अपने डाटा केबल यहाँ पे लगा करके अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा फीचर इसका लगा है गाइस। ये आने वाला है चाइना कंपनी की तरफ से, तो आपको भी पता है गाइस ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। तो गाइस सबसे पहले तो इसके लिए 1 लाइक तो आपको बनता ही गाइस, अगर आपने भी लिया है तो जरूर लाइक कीजिए, और लेने वाले हो तो जरूर आप कमेंट करिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय। और गाइस इसमें बहुत सारे फीचर्स और भी है जो कि मैं गिना नहीं पा रहा हूँ, तो चलिए बाय बाय।